नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय सुरक्षा में सख्ती, नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2020, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाथरस की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सख्त हिदायत दी है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। विराम। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है और मौत से पहले कोई बयान देती है तो उसके कथन को इस आधार पर कतई नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उसने किसी पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया या नहीं। विराम। दुष्कर्म की शिकार महिला की 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय जांच और 2 महीने के भीतर उस मामले की जांच पूरी होनी चाहिए। विराम। ऐसे मामले में अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। शायद इससे राज्यों की पुलिस में कुछ मुस्तैदी आए। हालांकि यौन अपराध के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की यह पहली सख्त हिदायत नहीं है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों में बदलाव कर उन्हें काफ़ी कड़ा बनाया गया। ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई, मगर स्थिति यह है कि उसके बाद से महिलाओं के प्रति हिंसा और यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती गई हैं। इस बीच ऐसी 1 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें बलात्कार के बाद पीड़िता की बर्बरता से हत्या कर दी गई। पैरा हाथरस मामले को लेकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक बार फिर इसलिए लोगों का आक्रोश फूटा है कि उसमें खुद पुलिस ने मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया। पहले तो पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज करने में देर की गई, फिर उसकी चिकित्सीय जांच करने में करीब 1 हफ्ता जाया कर दिया गया। उसके बयान को विधि सम्मत नहीं माना गया। विराम। फिर जब दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया तो उसका शव परिजनों को सौंपने के बजाय पुलिस ने रात के अंधेरे में खुद उसे जला दिया। विराम। उसके बाद उसके साथ हुए यौन अपराध और अपनी लापरवाहियों पक्षपातपूर्ण रवैये को ढकने के लिए वह तरह तरह की कहानियां गढ़ती और प्रचारित करती रही। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस का चिंतित करने वाला अमाननीय चेहरा उजागर हुआ। हालांकि महिलाओं के प्रति यौन दुराचार के मामले में दूसरे राज्यों की स्थिति भी कोई संतोषजनक नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, उससे कोई गंभीर सवाल उठे हैं। पैरा। यौन दुराचार और फिर हत्या के मामले में ज़्यादातर समाज के निचले तबके की महिलाएं शिकार बनती देखी जा रही हैं। उनमें ऐसी घटनाओं में दबंग कही जाने वाली जातियों के लोगों पर आरोप अधिक लगते रहे हैं। फिर ऐसे मामलों को सुलझाने या
कार्रवाई करने में पुलिस की मानसिकता पर सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं। आरोप है कि चूंकि पुलिस महकमे में भी अधिकतर सवर्ण और ऊंची कहे जाने वाली जातियों के अधिकारी और कर्मी अधिक हैं, इसलिए जब किसी ऊंची जाति के या दबंग और रसूख वाले व्यक्ति पर किसी नीची कही जाने वाली जाति की महिला पर दुराचार का आरोप लगता है तो पुलिस उस मामले को किसी भी तरह रफा दफा करने में जुट जाती है। पहले तो प्राथमिकी दर्जा करने, चिकित्सीय जांच कराने आदि में देर की जाती है ताकि साक्ष्य मिट जाए। उसके बाद भी दबाव डालकर पीड़िता या उसके परिवार के लोगों को मामला वापस लेने को कहा जाता है। विराम। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा निर्देश से पुलिस की यह मानसिकता शायद ही बदल पाएगी। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।